अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एजेंडा सी एस मैं हूँ सख्लांत जम्मल आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मेरी शक्ल भी नज़र आ जाए और आवाज़ भी बेहतर हो आई एम सॉरी कि कुछ वीडियोस में एक साइड पे एक तो मुझे स्टिकर लगाना पड़ा और दूसरी बात है कि उनमें ऑडियो थोड़ा सा मसला कर रही थी आई एम ट्राइंग के ये इशू रिजॉल्व हो जाए uh, मैं पिछले चार घंटे से इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क इन टू मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू यूज़ सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब और जिन लोगों ने मार्च और अप्रैल का टेस्ट किया था वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनके मार्क्स कैसे थे या हाउ डिड इट हेल्प देम क्या जो मेरी वीडियोस हैं उनसे उनको हेल्प हुई है क्या वाकई उनको कोई चीज़ समझ भी आई है या नहीं ठीक है और आज भी जो जून की वीडियो है ये देख के आप मई और जून दोनों के जो एम सी क्यूज़ हैं उनका टेस्ट कर सकते हैं जून की ही वीडियो के अंदर लिंक मौजूद है टेस्ट का तो वहाँ से जाकर टेस्ट करें और देखें कि आपको कितने आते हैं और मुझे भी बताए फीडबैक दे कि आपको कितने एम आते हैं और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है मैंने आपको बताया भी था कि मार्च अप्रैल किया गया इस वीडियो में कि काफ़ी सारे एम उसमें से ऑलरेडी पेपरों में पूछे गए हैं और सिमिलरली मार्च के भी थे इसी तरह अब आगे जो जो वीडियोज़ आती जाएंगी उनमें से एम सी क्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता पेपरों में आते जाएंगे और आप अगर इधर से पढ़ के जाते हैं तो आपको उधर पेपर में जा लगेगा क्या हाँ जी ये उसी वीडियो में से दो तीन एम सी क्यूज़ चार एम सी क्यूज़ पाँच एम सी क्यूज आए हुए हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है कुछ एम सी क्यूज़ आपको डायरेक्टली आ जाते हैं लाइक सेम टू सेम स्टेटमेंट कुछ इनडायरेक्टली आ जाते हैं उनकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होती है या उसी के अलाइड कंसेप्ट आप कह लें या रेलिवेंट चीज़ें होती हैं तो वीडियोज़ को एंड तक देख देखा करें और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जी जून दो हज़ार बाईस से इसमें हम ऑलमोस्ट सेवेंटी एम सी को कवर करेंगे रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा इन जून 2022 थाउजेंड अवार्डेड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ डैश तो सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला था जी कमर जावेद बाजवा साहब को जो कि अब रिटायर हो चुके हैं विच कंट्री विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2022 पाकिस्तान ने बनाए हैं जी फीफा के लिए जो फुटबॉज हैं पहले भी हम काफ़ी सारे वर्ल्ड कप्स के लिए फ़ुटबॉल बना चुके हैं वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एस पी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का नाम है जी मोहम्मद वसीम दैन वी हैव पाकिस्तान फर्स्ट एवर मिक्स मिक्सड मार्शल आर्ट फाइटर फाइट विनर एम एम ए की जो विनर है अनीता करीम शी हेयर्स फ्राम डैश शी हेयर्स फ्राम हंडा हु इज़ द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी फीमेल फ़ाइटर हु वन एम एम ए फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेम एम सी क्यू उनका नाम है जी अनिता करीम और किसके खिलाफ जीता है जी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये भी पूछा जा सकता है हु इज़ द करंट आई जी ऑफ अदार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस तो डॉक्टर आमिर अहमद शेख साहब हैं जो कि आई जी ऑफ ए जे के हैं वट इज़ द टोटल आउटले ऑफ़ फेडरल बजट फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री तो ये बजट जनाब टोटल 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का है और यू कैन से 9500 बिलियन रुपीज़ जिस तरह के हमने अखबारों में देखा होता है फिर उनको बिलियंस में हम आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते जाते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग क्या है डेट सर्विसिंग क्या है फिर पीएसडीपी क्या है वो सारा कुछ अलग अलग है उसके शॉर्ट हेड्स हैं आगे आप कह सकते हैं लेकिन जो ओवरऑल टोटल आउटले है वो है नाइन ट्रिलियन या फिर नाइन्टी बिलियन रुपीज़ हु प्रजेंटेड द फेडर बजट ऑफ नाइन पॉइंट फाइव ट्रिलियन रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ये टू थाउजें ट्वेंटी टू टी थ्री मुफ्ता इसमाइल साहब जो कि उस वक्त आ, हमारे वज़ी ख़जाना थे उन्होंने ये प्रजेंट किया था एम एन ए डॉक्टर आमिर लियात खान आमिर लियाक़त अली खान डाइड ऑन डैश नौ जून दो हज़ार बाईस को आमिर लियात खान साहब की डेथ हुई थी और काफ़ी सारी मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग भी थी और इसके बारे में बाद में डिबेट्स होती रही और उनकी जो अहलिया जो कि नई बीव्यू उन्होंने की थी सईदा दानिया आई थिंक उनके भी बाद में बयान आ रहे थे वॉट्स तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एम आपको खबरों से मिल जाते हैं लाइक like आप अगर अखबार के साथ या फिर खबरों के साथ अटैचड हैं आप उसको देखते रहते हैं तो उनमें से काफ़ी चीज़ें आपको समझ लगना शुरू हो जाती हैं शंघाई कोपोरेशन ऑर्गनइजेशन वो सेटअप इन टू थाउजेंड वन दो हज़ार एक में बनाई गई थी जी वट इज़ द थीम ऑफ लाहौती मेलो फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटिंग इंडस लाहौती मेलो जनाब uh, सिंध में मनाया जाता है हाउ मैनी पाकिस्तान इज़ आर करंटली द मेम्बर्स द लिस्ट ऑफ क्रिकेट हॉल ऑफ फेम ऑफ आई एस आई सी सी आई सी सी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के जनाब छः मेम्बर्स हैं इस वक्त वू इज़ द करेंट आई जी ऑफ सिंध पुलिस गुलाम नबी मेहमद साहब करंट आई जी ऑफ सिंध पुलिस हैं वज़ द करेंट आई जी ऑफ बलोचिस्तान पुलिस तो बलोचिस्तान पुलिस के uh, इस वक्त जो आई जी हैं उनका नाम है जी uh, अब्दुल खालिक शेख ठीक है जी विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्स ई चलानस इ तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी कि ई चलानस के लिए हमारे पास बेसिकली प्रॉपर लॉ नहीं है कोई स्टेच्यूट्स की बुक में ऐसा मैंशन नहीं है कि रिमोटली या ई चलांस जो है किए जा सकते हैं सो दे आर इलीगल पहले उसके लिए लॉ बनाएं फिर आप ये कर सकते हैं ठीक है तो उसमें काफ़ी लोग जो है ना खुशियाँ मना रहे थे क्योंकि ई चलांस ने जो है ना लाहौर में तो बहुत बुरी हालत की हुई थी हर दूसरे बंदे का चलान घर पहुँच रहा था द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ़ इकनॉमिक अफेयर्स सरदार अयाज साहब जो कि पहले नून लीग के दौर में आई थिंक स्पीकर कौमी असम्बली थे इस वक्त जो है वो इकनॉमिक अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर हैं क्योंकि इस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली है दैट इज़ राजा परवेज अशरफ चलें जी रेल रोड फोर लेन ब्रिज यानी पद्मा ब्रिज जो है इस डैश किलोमीटर्स लॉन्ग सिक्स पॉइंट वन फाइव किलोमीटर्स उसकी लेंथ है जी इतना लंबा ये, ये रेल रोड ब्रिज है और ये चार लाइनों पे मुश्तमिल है ठीक है अगला एन सी क्यू भी इसी के बारे में कि ये कहाँ ओपन हुआ है रिसेंटली तो ये ओपन हुआ है जी बांग्लादेश में विस्ट अफ्रीकन कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑन ट्वेंटी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो कॉमनवेल्थ की वेबसाइट ने अनाउंस किया था जी कि ट्वेंटी नाइन जून दो हजार बाईस को दो कंट्रीज को इंडक्ट कर लिया गया है कॉमनवेल्थ में उनके नाम है जी टोगो एंड गबोन तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ विच uh, uh, कंट्री होस्टेड फोर्टीन ब्रिक्स समिट दिस ईयर ब्रिक्स एक इकनॉमिक अलायंस है पाँच कंट्रीज है इसमें आ, जिसमें रशिया है फिर इंडिया है चाइना है और साउथ अफ्रीका है और पाँचवा जो है ब्राज़ील है बीस है तो इनकी जो अलायंस है उसकी फोटीन समिट चाइना ने होस्ट की है जी अ पावरफुल अर्थ को एक स्ट्रक रिमोट पार्डर रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ओवर नाइट किलिंग एट लीस्ट डैश पीपल ऑलमोस्ट वन थाउजेंड पीपल वर किल्ड इन दिस अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा uh, जो है क्या उसको कहते हैं किलिंग था या फैटल था uh, ये अर्थक्वेक और uh, ये पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान दोनों में आया था और इसका मैग्नीट्यूड भी आपने याद रखना है और इसकी डेट भी याद रखनी है आगे ही इसकी डेट और मैग्नीट्यूड के बारे में भी क्वेश्चंस uh, आ रहे हैं और मैं वो आपको हाईलाइट कर दूंगा कोत्स क्राउन प्रिंस डिज़ोल्ड पार्लियामेंट ऑन डैश एंड कॉल फॉर एन अर्ली इलेक्शंस तो उस uh, कोत के क्राउन प्रिंस ने जनाब बाईस जून को पार्लियामेंट uh, डिज़ो की थी और कहा था कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएँ और बाईस जून को ही ये जलजिला भी आया था आप अगले एम सी क्यू में देख सकते हैं ठीक है जी एक तो ये बाईस जून की डेट आपने याद रखनी है दूसरा कि लोग कितने इसमें मारे गए वन थाउजेंड पीपल वर् किल्ड और uh, उसका मैग्नीट्यूड कितना है जी फाइव पॉइंट नाइन ठीक है जी हाउ मनी मैचिज़ विल बी प्लेड इन फ़ीफा वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फ़ीफा वर्ल्ड कप दो हज़ार बाईस जो कि अब हो चुका है दिसंबर नवंबर दिसंबर में उसमें टोटल सिक्सटी फोर मैचिज़ खेले गए थे दी ऑफिशियल रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन इज़ डैश प्रेजिडेंट ऑफ़ यूक्रेन जनाब मेरिंस की पैलेस में रहते हैं आई टू यू टू इज़ द न्यू ग्रुपिंग फॉर्म बाई डैश तो इसमें चार कंट्रीज़ हैं दो आई से शुरू होते हैं दो यू से शुरू होते हैं इंडिया इसराइल यू एस एंड यू ए विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट द मेम्बर ऑफ शनजिन एरिया तो फ्रांस स्पेन और जर्मनी ये सारे शनजिन एरिया के मेंबर्स हैं लेकिन यूके जो है वो इस वक्त शनजन एरिया का मेंबर नहीं है क्योंकि यूके ब्रेक्सिट के बाद से जो है शेंजन से निकल चुका है इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज़ बिन फाउंड रिसेंटली कैम्बोडिया में जनाब रिसेंटली uh, सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर फिश है वो पाई गई है और ये एम सी क्यू आई गेस एक दो दफ़ा आ भी चुका है ऑलरेडी तो इसको ध्यान से तैयार करें बट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो आपको पता है पाँच जून को मनाया जाता है ये मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है पाँच जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है पाकिस्तान ने 2021 में इसको होस्ट किया था ये भी एम कई दफ़ा आ चुका है और जो दो का एन्वायरमेंट डे है उसका थीम क्या है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स मोस्ट एडवास्ड एयरक्राफ्ट नेम्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फूचियान तो फूचियान नामी जो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मोस्ट एडवांस्ड uh, है बेसिकली कौन से कंट्री का चाइना का विच कंट्री होस्टड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ पार्लियामेंटेरियंस ऑप्शन सी इजिप्ट एजिप्ट ने यंग पार्लिमेंटेरियंस की जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट किया था द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच मंथ तो जून के महीने में ये मनाया जाता है और इसके लिए साथ मैंने आपके लिए ये भी ऐड कर दिया है कि बेसिकली ये हर साल सोलह जून को मनाया जाता है और थोड़ा सा आप और इस पर पढ़ सकते हैं कि दो सौ तीस मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एट हंड्रेड मिलियन फैमिली मेम्बर्स जोर ऑल द वर्ल्ड उनको पैसे भेजते हैं विच कंट्री हेज़ रेज द न्यू कंप्रीहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून सोफार तो द न्यू कम्प्रीहेंसिव जियोलॉजिकल मैप जो है अभी तक का सबसे कम्प्रीहसिव uh, वो चाइना ने लॉन्च किया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन डैश जून छः जून सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को बोरिस जॉनसन साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जीत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जीत लिया था और ही रिमेन द प्रेजिडेंट लेकिन अगले मंथ में हम देखेंगे कि uh, उन्होंने फिर बाद में रिज़ाइन कर दिया फिर लीज स्ट्रस आई एंड शी ऑल्सो रिज़ाइन ड्यू टू इकनॉमिक क्राइसिस इन यू के तो ये सारा कुछ आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा द यू एन डी पी अपॉइंटेड यू एन डी पी पाकिस्तान अपॉइंट एज इट्स नैशनल गुड विल एम्बेसडर किस को अपॉइंट किया गया है जी फवाद खान को शॉर्टल इज़ द रिचे रिचेस्ट इवेंट एवर प्लेड इन दिस स्पोर्ट तो ये इवेंट जनाब uh, गोल्फ की जो स्पोर्ट है उसमें खेला जाता है uh, उसका इवेंट है बेसिकली ज द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यू ए मोहम्मद बिन जैद अल नाहन इज द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यू ए आपको पता है कि इनके वाल साहब जो है उनकी डेथ हो गई थी दो हज़ार बाईस में ही आई थिंक मई में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो अब जो उनके बेटे हैं मोहम्मद बिन जैद अल नाहन ही इज द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यू एंड इज दर्ड प्रेजिडेंट ऑफ यू एवरऑल विच कंट्री एज रिसेंटली लॉन्च नेशनल कार्बन एमिशंस मार्केट टू रीच इट्स क्लाइमेट गोल्स कैनेडा ने ये कार्बन एमिशंस मार्केट लॉन्च की है जी और मोहम्मद बिन जयाद अल्लाज दर्ड प्रेजिडेंट ऑफ यू ए वैन जर्मन फॉरन मिनिस्टर एनालिना बियरबॉक विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये भी हम आ, और आई गेस अप्रिल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो जर्मन फॉरन मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी एनाल बियरबॉक और वो कब पाकिस्तान आई थी सात जून दो हज़ार बाईस को वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो उसका थीम है जी सेफर फूड बेटर हेल्थ विच कंट्री पर्सन बिकम्स द ओल्डेस्ट पर्सन टू सेल सोलो अक्रॉस दसिफिक तो पेसिफिक ओशन uh, जो है उसके अक्रॉस सोलो सेल करने वाले यानी अकेले सेल करने वाले uh, जो आदमी हैं उनका नाम है जी कैनिजी uh, होरी और उनका ताल्लुक है जापान से और उनकी एज है एटी थ्री ईयर्स ठीक है ऑन फाइव जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कन्ट्री फाइड एट शॉर्ट रेंज बेलिस्टिक मिजल्स टूवर्ड द सी ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट तो आपको पता है जिस नॉर्थ करिया है जो कि रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा आ, रिबेलियस या काफ़ी ज़्यादा बेलिजेंट नेशन अपने आप को शो कर रही है और अमेरिका को भी आंखें दिखाते हैं साउथ कोरिया जापान वगैरह तो हैं ही हैं जो कि रीजनल हैं लेकिन अमेरिका के साथ भी उनकी टसल चलती रहती है तो पाँच जून दो हज़ार बाईस को नॉर्थ कोरिया ने ही आठ बैलिस्टिक मिसल जो हैं अपनी ईस्टर्न कोस्ट से साइड पे मारे थे ताकि अपने जो एग्रेसर्स हैं या फिर एनिमीज़ हैं उनको थ्रेटन किया जा सके कि हमारे पास भी कैपेबिलिटीज़ हैं आ, वी कैन डू वट वी वॉन्ट अच्छा जी विच कंट्रीज़ टॉप कोर्ट कर्टेल दी गवर्नमेंट्स सिटीज़नशिप पार्ज़ तो ऑस्ट्रेलिया की टॉप कोर्ट ने जनाब गवर्नमेंट की सिटीज़नशिप पार्ज जो है उनको कर्टेल किया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे डब्ल्यू एफ एस डी हैज़ बिन ऑफिशियली ऑबजर्वड ऑन डैश सात जून को वर्ल्ड फूड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे इनवामेंट डे वर्ल्ड मिल्क डे आई गैस ये सारे इसी महीने में आते हैं इन सारों को आपने अच्छे से तैयार करना है वेन चाइना लॉन्च थर्ड क्रूड मिशन टू इट्स न्यू स्पेस स्टेशन तो क्रूड का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसा मिशन या ऐसा स्पेस क्राफ्ट जिसके ऊपर क्रू उसका उसके साथ जाता है ठीक है जी वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं इंजीनियर्स होते हैं जो जाके वहाँ पे स्पेस में उसकी सर्विस करते हैं या उसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो क्रूड मिशन जो है थर्ड है दिस इज़ द थर्ड है क्रूड मिशन फ्राम चाइना और ये कब लॉन्च किया गया जी पाँच जून को ठीक है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च एंड अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन मिसिंग चिल्ड्रन को ढूंढने के लिए जनाब अलर्ट फीचर कौन से प्लेटफॉर्म ने जारी किया है मेटा ने जारी किया है मेटा इज़ द न्यू नेम ऑफ फेसबुक ये भी आप जानते हैं ऑन फाइव जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कंट्री लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट नेम्ड शनजो फोटीन तो शजो फोटी आपको पता है कि ये चाइना ने लॉन्च किया है और ये वही पाँच जन पाँच जून को जो कि उन्होंने क्रूड मिशन भेजा है ये वही है वेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इ लीगल अन रिपोर्टेड एंड अन रेगुलेटेड फिशिंग ऑब्जर्व तो ये इलीगल फिशिंग या अन रिपोर्टेड फिशिंग वगैरह के अगेंस्ट जो फाइट का डे है इंटरनेशनली वो पाँच जून को मनाया जाता है पाँच जून को इन्वायरमेंट डे भी है पाँच जून को ये, ये चाइना ने ये शेंजो फोटीन भी लॉन्च किया था तो पाँच जून की एक तो डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा एक दो और डेट्स हैं वो इस महीने में आपने याद रखनी है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स तो चाइना है जी जिसकी सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है आपको पता है कि इट इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड और सबसे ज़्यादा जो इसकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है या लेबर फोर्स का साइज़ है वो भी इसी कंट्री का है विच कंट्री हेज़ द मोस्ट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड तो आप एजुकेशन का अंदाजा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि इंडिया इज़ इस्पायरिंग टू एजुकेट इट्स पीपल और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चाइना में नहीं है वो इंडिया में हैं और दो चाइना की पापुलेशन ज़्यादा है लेकिन फिर भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं टर्की ने यूनाइट नेशन हैज़ है बिन चेंज फ्राम टर्की टू डैश तो टर्की से टर्कीिए या टर्किया जो हो गया है तुर्किया इसको उर्दू में पढ़ते हैं या वो खुद को कहते हैं कि तुर्किया तुर्किया ठीक है तो उन्होंने अपना ऑफिशली नेम जो है वो चेंज करवा दी है विच यू एस स्टेट पासिस वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर ला फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट ऑफ रिपेयर लॉ कौन सी स्टेट uh, ने पास uh, किया है जी न्यूयॉर्क ने वैन सऊदी अरेबिया रस्ट फॉरन हज पिलग्रम सिंस कोविड बिगैन तो जब से कोविड स्टार्ट हुआ है सऊदी अरेबिया ने कोई भी हज पिलग्रीम्स जो हैं उनको होस्ट नहीं किया तो अब चार जून को सबसे पहले जो हज पिलग्रीम्स हैं वो सऊदी अरेबिया में आए हैं आफ्टर कोविड चलें जी विच कंट्री है रिसेंटली वोटेड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियज डिफेंस पॉलिसी सॉरी यूरोपियन यूनियन सिंपली आता तो वो यूक्रेन ने कहा था जी कि हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं यूरोपियन यूनियन की डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन करने के लिए वोट किया है जी डेनमार्क ने वेन इज़ द वर्ल्ड साइकिल बाईसिकल डे सेब्रेट एवरी ईयर ये तीन जून को हर साल मनाया जाता है नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डैश मिलियन पीपल ग्लोबली हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी तो सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री मिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसी या यूँ कह लें कि तिहत्तर शरिया तीन करोड़ अगर आप पाकिस्तान में या उर्दू में सुनना चाहते हैं तो वह तिहत्तर शरिया तीन तीन करोड़ बनते हैं वैसे मिलियंस में सेवन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री हैं या फिर पॉइंट सेवन थ्री थ्री बिलियन अंटिल जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेरीफ़िकेशन ऑफ़ अराउंड डैश अफ़गान रेफ्यूजीज़ लिविंग इन पाकिस्तान वॉज कम्पलीटेड वन पॉइंट थ्री मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं उनकी वेरीफ़िकेन कम्प्लीट हो चुकी थी विच इज़ द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड सम्मिट ऑन इन्फॉर्मेशन सेफ्टी डब्ल्यू सी फोरम जो है उसकी जो दो हज़ार बाईस की मीटिंग है उसका वेन्यू क्या था वो था जनेवा जो कि स्विटरलैंड का शहर है और वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तो वर्ल्ड मिल्क डे जनाब एक जून को हर साल मनाया जाता है ली खचियांग चाइनाज डैश ली खचियांग जनाब चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी आपको पता है कि वो है वांग यी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इज डैश एलिजाबेथ बॉर्न जो है शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस विच फोन स्कैम वॉज बस्टेड बाई इंटरनेशनल पुलिस रिसेंटली फ़्लूबॉट एक स्कैम uh, है जिसको जून दो हज़ार बाईस में इंटरनेशनल पुलिस ने बस्ट किया था यानी पकड़ लिया था और uh, इसको नलीफ़ाई कर दिया था और इसके बारे में मज़ीद अगर आपने इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो ये आपके लिए ही मैंने लिखी है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको पढ़ लें इसके साथ ही जो एक टी बॉट है ये भी एक सिमिलर स्कैम है यह भी शुरू हुआ था तो थोड़ा सा आप ये पढ़ लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा ताकि आपके माइंड में रह जाए चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ द ट्वेंटी यूरोपियन कंट्री टू द यूरो करेंसी फ्राम टू तो क्रोशिया ने अनाउंस किया है कि हम दो से यूरो करेंसी को स्टार्ट करेंगे या फिर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे और ये ट्वेंटी यूरोपियन कंट्री है इससे पहले उन्नीस यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूरो को इस्तेमाल कर रहे थे हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ फ्रांस एलिजाब बॉर्न जो है हमने पहले पढ़ लिया जी ये वट इज़ द थीम ऑफ यू एन यूनाइट नेशंस पीस कीपर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पीपल पीस प्रोग्रेस दावर ऑफ पार्टनरशिप्स विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यू ए तो इसराइल ने जनाब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यू ए के साथ किया था लास्ट ईयर इन जून तो ये थे जी जून दो हज़ार बाईस के एम सी क्यू इसमें हमने ऑलमोस्ट सिक्सटी या सेवेंटी एम सी क्यूज़ किए हैं एंड आई होप डट दे विल हेल्प यू इन योर टेस्ट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू अटेम्प द टेस्ट एज वेल टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है इससे आपको पता चलेगा कि वे डू यू स्टैंड और uh, uh, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी सो आई होप के दीज थिंग्स हेल्प यू एंड आई होप के Uh, i'll see you in the next time uh, take care hello office